दोस्तों आप लोगों ने कमेंट किया कि घर पे प्रोटीन पाउडर कैसे बनाए उसके बारे में वीडियो बनाओ। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कम बजट में आप प्रोटीन पाउडर घर पे कैसे बना सकते हैं ताकि इजीली जिनका बजट कम है वो भी बॉडी बना सकें। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको कुछ सामान मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको लेना है 100 ग्राम मूंगफली, साथ में 100 ग्राम मार्केट में जो मिलते हैं भुने हुए चने, प्लस 100 ग्राम सोयाबीन। सोयाबीन के जो बीज होते हैं, सोया वड़ी नहीं लेनी है, सोयाबीन के बीज आपको लेने हैं 100 ग्राम। और अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप 100 ग्राम बादाम भी यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो बादाम को आप रहने दें। इन सबको किसी कढ़ाई में, किसी पैन में ले लेना है और धीमी धीमी आँच पे सेकना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो पानी होता है, जो मॉइस्चर होता है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि इन्हें 2 से 3 मिनट ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएं, तो उन्हें एक मिक्सी में लेके बारीक पीस के पाउडर बना लेना है। बस दोस्तों ये देसी कम बजट वाला प्रोटीन पाउडर बनके तैयार हो चुका है। अब इसको एक्सरसाइज करने के बाद एक स्कूप या फिर 2 से 3 चम्मच, जो अपने घर में चम्मच होते हैं, 2 से 3 चम्मच दूध में मिलाकर आपको एक्सरसाइज के बाद पीना है, और सुबह उठते ही 2 चम्मच दूध में मिलाकर पीना है। दोस्तों इस प्रोटीन पाउडर की खासियत ये है कि इसमें प्रोटीन के साथ साथ दूसरे न्यूट्रिशन भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों इस प्रोटीन पाउडर का यूज़ अगर आप 15-20 दिन भी करेंगे तो 15-20 दिन में ही आपको अच्छा खासा फ़र्क दिखने लग जाएगा। दोस्तों ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है जिसे हम और वीडियो बना सकते हैं।